नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज नेटवर्क नंबर 1 चैनल। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में। ये हरसिद्धि का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहां पे कुछ आशा कर्मियों के द्वारा यहां पे धरने पर बैठा गया है। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इन लोग का मांग क्या है और इन लोग कब से यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? सविता देवी। कब से यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग कल से बैठे हुए। काहे के लिए बैठे हुए? अपनी मांगे पूरी करने। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि 1000 हटा दीजिए या 18000। 1000 हटा दीजिए। वो मानदेव जो दे देते हैं वो पोषाहार मानदेव आप लोग को मिलता है? नहीं, वो पोषाहार राशि है, वो हटा दीजिए, हम लोग 18000 कर दीजिए। वेतन और बहुत को मांग है? मांग तो बहुत नहीं चाहिए, हम लोग को मासिक वेतन मान चाहिए जी। हम लोग को सरकारी सेवक घोषित करना चाहिए कि हम लोग अपना स्थान बना कर रखे। मतलब सभी लोग अभी सरकार के ओर से सरकारी आप लोग नहीं हुए? नहीं, 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 नहीं। हम लोग सरकारी घोषित नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना पर रहेंगे। कब से बैठे हुए लोग? कल से बैठे हैं, 12 तारीख से। अभी तक कोई आप लोग का मांग सुनने के लिए आया? कोई नहीं आया है अभी तक, हम लोग का कोई मांग सुनने वाला नहीं है। अब देखिए नीतीश सरकार क्या करते हैं, हम लोग का मांग पूरा करेंगे। हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अरे यहाँ पर सब पता है, यही नहीं है कि हम लोग तो हड़ताल पर रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज का इलाज नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हम लोग करने देंगे, जब तक हमारे मांग पूरी नहीं होगी हम लोग एक मरीज को अंदर नहीं जाने देते हैं। आपके पास ड्रेस नहीं है? ये लोग पास ड्रेस है आपके? हम आशा है, आशा है तो इन लोग का ड्रेस मिला है? आपको नहीं मिला? अभी नहीं मिला, हमारा बाली अभी 1-1.5 साल पहले हुआ है इसलिए नहीं मिला। एक साल में कितना बार ड्रेस मिलता है? एक बार। तो आपका 1.5 साल हो गया ज्वाइनिंग हुए, नहीं मिला? अभी थोड़ा तो इस महीना में मिलेगा। अच्छा, इस महीना में मिलेगा। तो आपका भी कुछ मांग होगा यहाँ पे बैठे हुए? जी सर। क्या क्या मांग है? वही मांग है, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग के पढ़ाई के हिसाब से तो समझिए काम बिल्कुल नहीं है। हम लोग को न पैसा है न अथी, तो हम लोग को मान सम्मान है। यहाँ पर हम लोग को समझा जाता है कि एक भिखमंगा ना आता होगा, भिखमंगा को भी हम लोग प्रेम पूर्वक 10 रुपया 5 रुपया देते हैं। हम लोग को भिखमंगा से भी बेहतर स्थिति कर दिया, वो भी मान सम्मान भिखमंगा की तरह हम लोग को नहीं मिलता है। मान सम्मान भी आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग को मान सम्मान तो चाहिए ही, और काम के बदले सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए और सरकारी सेवक का दर्जा चाहिए और 18000 वेतन मान चाहिए, तब हम लोग अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल तोड़ेंगे, वरना यही पर हम लोग बैठे रहेंगे। अभी तक आप लोग के पास सुनने के लिए कोई नहीं आया? नहीं आया है। आगे भी शायद ना आए, तब तक आप लोग बैठे रहिएगा? बैठे रहेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। खाना वाना आप लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? केवल पानी नसीब नहीं हुआ है, खाना तो बहुत दूर। कल से आप लोग बैठे हुए हैं, पानी तक नहीं पिया है लोग? नहीं, पानी नहीं पिए। सुन सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल हो रहा है कल से? देखिए, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, ये आप लोग के आशा है, आपके आशा है लोग, ये लोग कल से धरना पे बैठे हुए लोग, लेकिन अभी तक ये लोग पानी तक नहीं पिया है और इन लोग अभी तक कोई बात सुनने के लिए नहीं आया। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आगे भी कोई नहीं सुनने के लिए आता है तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और किसी का भी यहाँ पे इलाज जो मरीज आएगा उनका नहीं होने देंगे। गेट भी दिखाने का प्रयास करेंगे, गेट यहाँ बंद है और ये सरकारी हरसिद्धि का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये हरसिद्धि का आशा है लो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। ये लोग धरना पे कल से बैठा हुआ है लो, ये लोग का बहुत ही सारा मांग है और लोग से हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मीना तिवारी। आप भी आशा है जी, बैठे हुए यहाँ पे, आपका क्या मांग है? वही 18000। 18000 का महीना? हाँ। अच्छा, अभी कितना मिलता है आप लोग? कहाँ मिलता है अभी महीना, कहाँ मिलता है हम लोग? कहाँ मिलता है तो अभी कहाँ मिल रहा है हम लोग? प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, काम करेंगे करेंगे उतना मिलता है, नहीं करेंगे नहीं मिलता है। कटा जा रहा है जितना हम लोग काम करते हैं उसी में से कटा जा रहा है। काम करने जितना हम लोग मतलब काम भी कर रहे हैं ना, वो भी काट दिया जा रहा है। जैसे कि 4 डिलीवरी हो गया उसमें से 1-2 काट दिया जाएगा कि इतना डिलीवरी कहाँ से आ गया, ये तो ये कर ली। अगर 2 महीना डिलीवरी नहीं हो तो आशा को हटाओ चाहे मुझ करो, डिलीवरी नहीं ला रही है, नहीं ऑपरेशन ला रही है। ऑपरेशन आएगा तो उसका पैसा कभी हर सीधी से गया है न, डिलीवरी का पैसा जाता है। मरीज आकर के आशा के दरवाजे पर वो बेकार बेकार बातें बोलता है। कौन आप लोग का पैसा काटता है? अभी इसी में ना हम लोग को पता चलता है जो कौन काट रहा है। हम लोग का वेतन मान सरकार कर देता, 18000 देने लगता तो हम लोग यहाँ नहीं ना बैठते। कल से भूखे प्यास से मर रहे हैं, कोई पूछने आया है? हम नहीं पूछने क्यों, काहे के लिए बैठी है, काहे के लिए नहीं बैठी है। राशन तक नीतीश कुमार 20 साल से जीते हुए है ना, क्या किए हैं आशा के लिए? राशन भी आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं, आशा को राशन भी नहीं दिया सरकार ने, मांगते मांगते हम लोग बुद्धि हो गए लेकिन वो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। धमकी भी आप लोगों को दिया जाता है? धमकी दिया जाता है कि आप लोग इधर उधर करेगी तो हम लोग आपको चयन मुक्त कर देंगे। उसके बाद में हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं तो उसमें ANM भी हम लोग का ऑनलाइन में काट देती है।
जी। यहाँ पे आप लोग कौन कौन सा कार्य करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? हम लोग का है जो नियमित टीकाकरण कराना है, उसके बाद में बंध्याकरण कराना है, पुरुष नसबंदी कराना है, उसके बाद में गृह भ्रमण करना है, ANC कराना है, 42 दिन तक ले हम लोग गृह भ्रमण करना है जी। ये सब हम लोग करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का सही समय से पैसा नहीं, पेट में रहता है माँ के गर्भ में, तब से हम लोग देखभाल करते करते 9 महीना में जच्चा बच्चा को बचाते हैं, बचा के उसके बाद 5 साल तक उसका रिक्स हम लोग के मतलब बनता है उसको जिलाने के लिए। नियमित टीकाकरण करा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कि आशा क्या काम कर रही है। सरकार का नीतीश कुमार के दाढ़ी बनता है 5,000-6,000 में, और आशा के 1,000 वेतन दे रहा है, उसको शर्म नहीं आ रहा है? वेतन है, प्रोत्साहन राशि हम देंगे, वो भी सही समय से नहीं आता है, वो भी नहीं आता है सही समय। 1,000 रुपया जो मिलता है आप लोगों को भी समय से नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, डिलीवरी नहीं मिलता है, डी सर्वे नहीं सही से बना तो उसमें भी पैसा काटा जा रहा है। डिलीवरी नहीं होता है तो रुपया काट लिया जाता है, अगर 1 महीना में 4 हो गया तो भी रुपया काट लिया जाता है, पैसा काट दिया जाता है कि 4 को कहाँ से आ गया है। जब नहीं होगा तभी काट दिया जी, जब एक दो हमारा डिलीवरी नहीं होगा सर जी, हम लोग तो बस सरकारी कर्मचारी घोषित कर सर, हम लोग का SJ के लिए ORS का घोल 100-150 पुड़िया मिलता है कि जाइए अपने क्षेत्र में SJ वाले बच्चों को बांटिए, घर घर जाकर बांटिए, और हमको ड्यू लिस्ट लिख करके माने सब जमा कीजिए, रिपोर्ट जमा कीजिए, 100 रुपया बताइए सर, 15 दिन का 100 रुपया सर। नीतीश कुमार जी 15 दिन का 100 रुपया कितना रुपया एक दिन का हुआ है? 100 रुपया 15 दिन में 100 रुपया 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पहले कहा गया, उसके बाद फिर 15 दिन बढ़ा दिया लोग। सवारी उसमें किस करा रहे? सवारी आप लोग करा रहे कि 100 रुपया 15 दिन का दिया जाता है, तेल में आप लोग खत्म हो जाता होगा सर? तेल नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा उसका, जब पैसा आएगा तब पैसा मिलेगा, अभी पैसा नहीं आया है, काम कीजिए पैसा आएगा तब मिलेगा। अपना तेल लगा के 15 दिन का 100 रुपया आप लोग आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, पहले कर्म कीजिएगा तब फल मिलेगा। 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक ORS जिंक का जो मिला था पिलाने के लिए, वही हम लोग का 100 रुपया 1 महीने का मिला है, वो भी मिला नहीं है, जब मिलेगा तब, अभी नहीं मिला है। अब बताइए हम लोग 100 रुपया 1 महीना में 100 रुपया में हम लोग का बाल बच्चा कैसे चलेगा? एक मजदूर 500 रुपया के लिए अपना मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी करता है तो 500 रुपया लेता है, हम लोग का दिन भर मजदूरी में मात्र 100 रुपया मिल रहा है, ये कहाँ का नियम है? सरकार कहाँ दवा जब खिलाते हैं तो सर बोलते हैं प्रभारी सर या BCM की वॉलंटियर इसमें लगा ली, अपने पति या लड़का चाहे और गांव के लोग को लगा लीजिए, आज तक वॉलंटियर का पैसा कोई नहीं दिया, वो पैसा ये सब मिलकर खा जाता है सब, हम लोग गाली सुनते हैं, अगर किसी गांव में से लड़के के जोड़ लिया जब उसका पैसा नहीं दिया जाएगा तो हम अपने पास से पैसा देते हैं उसको। कौन रुपया खा जाता है आप लोग? पता नहीं इसी में ना कोई नाम रहता है कि हम खाते हैं कि कौन खाता है, हर सीधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले अधिकारी लोग खाते हैं, यही सब ना खाता होगा, वॉलंटियर का पैसा आज तक नहीं गया। वॉलंटियर आप लोग कौन बोलता है रखने के लिए? BCM बोलते हैं प्रभारी, आप लोग उनसे आप लोग रुपए नहीं मांगते हैं? मांगते हैं तो हम लोग को डांटा जाता है कि चुप रहो, क्या बोलती है? वॉलंटियर का पैसा जाएगा जुलाई में जाएगा तो मई में जाएगा, इसी तरह हम लोग को भला पुसला करके तब हम लोग अपने घर से पैसा लेकर के अपने पति बेटा से मांग करके उन लोगों को देते हैं। मतलब जो वॉलंटियर आप लोग रखते हैं उसका अपने घर से वेतन देते हैं लोग, और यहाँ पे जब मांगते हैं तो दंगदारी भी किया जाता है, धमकी दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, डांटता है लोग की क्या मांग रही है, ये सब नहीं जाएगा। आधार कार्ड पासबुक खाली जमा, खाली जमा कर देते हैं, 5 बार जमा किए हैं लेकिन नहीं दिया सब, तो कितना दुख आप सुनिएगा, इतना दुख आशा को है, प्रोत्साहन राशि हटा कर वेतन मानदेय कर दे, जितना देना हो उतना ही कर दे, सबके हटा कर दे। हम लोग अभी हम हरसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से न्यूज कवरेज कर रहे थे, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए लोग, ये लोग कल से बैठे हुए धरना पे, इन लोग का बहुत सारा मांग है, जो मांग आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा, और नीतीश कुमार जी ये लोग कहना है कि 15 दिन हम लोग काम करते हैं और 15 दिन में मात्र 100 रुपया दिया जाता है, ये कौन 100 रुपये में क्या होगा? एक मजदूर काम करने जाता है तो अगर 4 घंटा 5 घंटा काम करेगा तो उसको 300-400 रुपया दिया जाता है, और ये लोग यहाँ पे मरीजों का इलाज करते हैं,
और मरीजों के लिए लोग यहाँ पे हैं, और ये लोग सरकारी भी शायद नहीं है काम, और साल भर में एक साड़ी लोग का दिया जाता है, और मात्र 1000 का ये लोग का शायद क्या दिया जाता है, और सहार आते दिया जाता है। शायद इन लोग का बात आप सुने, अभी तक सुनने के लिए कोई नहीं आया है यहाँ पे, और कल से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अभी तक पानी तक नहीं पिए हैं लोग, और आप इन लोग के बात को अगर सुनते हैं तो आगे इन लोग का शायद धरना खत्म भी कर दिया जाएगा, और आगे ये लोग अपना फिर से काम करेगा लोग। और बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज नेटवर्क नंबर 1 चैनल, और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार।